ताज नगरी आगरा में अब अवैध रूप से स्कूल चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मऊ से ट्रांसफर होकर आए नवागढ़ DIOS डॉक्टर विनोद कुमार राय ने चार्ज लेते ही अपना एक्शन प्लान के बारे में बताते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले में योजना और निर्देशों का अनुपालन कराया जाएगा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण तैयार किया जाएगा। और मैंने भी सर लर्न चल रही एक चीज कही आपको सर, हम लोग आपके आभार करूंगा। आप लोगों से निवेदन करूंगा, कभी ऐसी कोई बात संज्ञान में आए, हालांकि इस तरह का विभाग है कि ऐसी कोई बात होती नहीं, बायदा और ये सब चीजें हैं नहीं, फिर भी कोई चीज ऐसी होती है कि मेरे संज्ञान में न होते हुए भी हो रही हो और जो छात्र इतने शिक्षक इतने विभाग इतने सरकार के इतने न हो, तो इशारा कर देंगे आप लोग तो समय पहले रुक जाएगी।